जम्मू में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन ही इनका असर अब साफ दिखने देने लगा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं और बदबू के मारे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और यहाँ तक कि गलियों और बाजारों में भी गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगने लगे हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच बातचीत नहीं हो पाई है। हड़ताल लंबी खिंचने पर महामारी फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है और लोगों ने सरकार से सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गौर करने की अपील की है। जम्मू शहर में हमें आम लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, गंदगी दिख रही है आसपास, बीमारियां फैल जाती है गंदगी से। और साथ में कहना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसके तहत सफाई तो होनी चाहिए, मगर यहाँ पे हम देखो हर जगह गंदगी दिख रही है। जहाँ जाते हैं उधर हमें दिख रहे हैं कूड़े के ढेर वगैरह, इससे क्या हो रहा है, बीमारियाँ, आजकल मलेरिया का भी खतरा है उसका, मलेरिया टाइफाइड वगैरह का, इनकी बीमारियों का खतरा रह गया, और इससे गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ। और ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये 2 दिन से स्ट्राइक पे चले गए हैं, और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि ये जो इनकी सफाई कर्मचारियों की जायज़ डिमांडें हैं ये पूरी करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ की आम जनता को नुकसान ना उठाना पड़े, ना कि एक प्रकार की बीमारी भी फैलने की आशंका बनी पड़ी है इस गंदगी की वजह से। और मैं बस यही गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका अभियान सफाई के खिलाफ अभियान चल रहा है जो, तो वो जहाँ पर कुछ देखने को उसके लिए मिल नहीं रहा है। जेके न्यूज़ पॉइंट से रेणु बाला की रिपोर्ट।